हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मूली की खेती की संपूर्ण जानकारी कि मूली की खेती कैसे की जाती है, कौन से महीने में मूली की को हम बीज को बोते हैं, किस प्रकार बोते हैं और कैसे ये तैयार होती है, खाद पानी आदि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फार्म की ओर जहां पर हमने मूली लगा दी हैं। आप देख रहे हैं हमारी मूली काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, इनके पत्ते भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनमें हमने बिल्कुल पानी नहीं लगाया है और ये अच्छी खासी हो गई हैं। केवल इनमें हमने बीज को खेत में बो दिया था और काफ़ी मोटी ये मूली देखिए आप पड़ चुकी है। इसे उखेड़ कर हम दिखा देते हैं, ये जो मूली हमारी है एक एक उंगली बराबर मोटी हो गई है। इन्हें बोए ज़्यादा दिन नहीं हुई हैं, 3 से 40 दिन के अंतर्गत ये मूली इतनी मोटी पड़ गई है। तो आप देख सकते हैं ये मूली की इकट्ठा करके हम इन्हें ढेर के रूप में बांध रहे हैं मूली, और इन्हें तोल तोल कर बांध कर हम बाजार में बेच सकते हैं। कुछ सितंबर में बो दिया जाता है, ये बहुत ही सही टाइम पर तैयार हो जाती हैं। तो उसे आप कैसे नरा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप खुरपी की सहायता से इसे नरा सकते हैं और घास को भी निकाल सकते हैं। जब आप घास को निकाल देंगे तो आपकी जो मूली का पौधा है बहुत ही आसानी के साथ ग्रो करेगा और मूली अच्छे से मोटी पड़ जाएगी, जिससे आपके लिए बहुत ही धन में फ़ायदा होगा, बहुत ही महंगी बिकेगी और आपको अच्छे से धन की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने फार्म की ओर चलकर दिखाते हैं। जो मूली का हमारा रंग है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी मूली ने ग्रोथ की है, इसके पत्ते भी चौड़े हैं। ये कैसे चौड़े हैं, जब हमने मूली को बोया था उससे पहले हमने जैविक खाद को लगा दिया था। आप देख रहे हैं जो गोबर की खाद है इसे हमने बीज को बोने से पहले खेत में फैला दिया था, उसके बाद जुताई कराई थी। तो आप देख सकते हैं जो हमारी मूली हैं वो कितनी मोटी मोटी हो गई हैं, और हमने धुलने के बाद आपको दिखाया है जो हमारी मूली अभी आप देख रहे हैं वो अभी छोटी हैं, इनमें ज़्यादा मोटी मूली नहीं पड़ी है। जब ये 40 दिन की पूरी हो जाएंगी तब आप देख सकते हैं जो हमारा फार्म है इसमें पत्ते भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने जैविक खाद का प्रयोग किया है, गोबर की खाद जो कि सभी घरों में जानवर पलते हैं और उनके घर पर अच्छे से खाद प्राप्त हो जाती है। अब हम बताते हैं कि आपको कौन कौन सी मूली की जातियां पाई जाती हैं। सफ़ेद पूसा, देसी पूसा, चेतकी, निशांत, चैनपुरी, बम्बे रेड, पूसा, रोशनी आदि जो स्क्रीन पर आपको जातियां दिखाई गई हैं वो सभी जातियां मूली की पाई जाती हैं, अच्छा उत्पादन भी इनमें होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको कि मूली की बुवाई कैसे की जाती है। तो मूली की बुवाई जो है वो आप कुड़ी के रूप में भी कर सकते हैं और छिड़कमा विधि से भी कर सकते हैं। कुड़ी में आपको मूली का बीज गोदना होता है और छिड़कमा विधि से हाथ से छिड़क देना होता है। चलिए दोस्तों, बरसात के दिनों में मूली में पानी लगाना नहीं पड़ता, यदि शुष्क जलवायु है तो आपको मूली में इस विधि के द्वारा पानी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। भाइयों, ये जो खेत दिख रहा है ये मेरा ही खेत है, इसमें खरपतवार जमाई है, तो मूली के लिए नराई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर आपकी मूली में घास जमाई है तो आपको उस घास की नराई करनी होगी बहुत ही आसानी के साथ, खुरपी की सहायता से आप कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा ही घास जम आई है तो आपको कुछ खरपतवार प्रोडक्ट का उपयोग करना होगा। अगर खरपतवार प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करते हैं आप, तो खुरपी की सहायता से मजदूरों की सहायता लेकर आप अपनी मूली को नरा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ज़्यादातर मूली के खेत में मूली गलन की समस्या ज़्यादा होती है, यदि अगर ज़्यादा पानी भर जाता है खेत में तो मूली सड़ने की आशंका रहती है। तो आपके लिए इस दवाई की स्प्रे करनी होगी जो कि आपको दिखाई गई है, छिड़काव करने के बाद आसानी से आप इस रोग को दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपकी मूली के खेत में सुड़ी की बीमारी लग चुकी है तब आप इन औषधियों की स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन कर
जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, इन औषधियों के द्वारा आप अपनी मूली की खेत की सुड़ी को दूर कर सकते हैं। जड़ से दोबारा आपके खेत में सुड़ी लगने की आशंका नहीं रहेगी अगर इन दवाइयों का प्रयोग आप अपने खेत में करते हैं। आप देख सकते हैं ये फार्म है, ये बिल्कुल कीटनाशक फ्री है, इनमें बिल्कुल भी कीट नहीं लगा है क्योंकि इन दवाइयों का प्रयोग इस खेत में किया गया है। और मूली भी अच्छी खासी मोटी हो चुकी है, अच्छा मुनाफा होने वाला है हमें इस खेत से। ज़्यादातर इन मूलियों को धोकर बाज़ार में आप बेच सकते हैं, तभी आपको अच्छा मुनाफा होगा। मजदूरों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इससे खेत में बोई गई मूली अच्छी मात्रा में बिक जाती है और अच्छा लाभ हो जाता है। मूली को गठरी के रूप में बांधकर आपको बाज़ार में बेचनी होती है, जिससे कि आपकी मूली जो है वो अच्छे दामों में बिक जाती है और आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। चलिए किसान भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले।